ग्रीक फैबुलिस्ट एंड स्टोरीटेलर ईसॉप ने बहुत ही खूब कहा था कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी एक पर्सन की पहचान या उसकी रेपुटेशन इस बात से पता लगती है कि वो कैसे लोगों के साथ ज्यादातर वक्त बिताता है और उसके दोस्त कैसे हैं। दोस्तों, हिस्ट्री से लेके आज तक निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब्राहम लिंकन, आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन जैसे कई स्मार्ट और महान जीनियसेस की लाइफ को स्टडी करने के बाद ये जानने को मिलता है कि अधिकतर मेंटली स्मार्ट लोग सोशलाइज यानी कि लोगों के साथ वक्त बिताने से ज्यादा खुद के साथ वक्त बिताना पसंद करते थे। हाँ, स्मार्ट लोग काफी लोगों को जानते हैं, वो भी काफी लोगों से रोजमर्रा की जिंदगी में मिला करते हैं, लेकिन फिर भी स्मार्ट लोग अपना फ्रेंड बस कुछ ही लोगों को मानते हैं। यानी कि स्मार्ट लोग क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स को नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप को पसंद करते हैं, क्योंकि मीडियोकर लोगों के दोस्त भी मीडियोकर ही होते हैं। अच्छे लोगों के दोस्त अच्छे, बुरे लोगों के दोस्त बुरे होते हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी उन्हीं से मिलती है, और ऑनेस्ट लोगों के दोस्त सिंसियर। इसीलिए चैपलेन रोनी मेलनसन का कहना था, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। आप मुझे अपने दोस्त दिखाओ, मैं आपके दोस्तों को देख के बता दूंगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तभी ऑन एन एवरेज नॉर्मल लोगों की तुलना में मेंटली स्मार्ट लोगों के फ्रेंड्स बहुत ही गिने चुने होते हैं, या कभी कभार तो एक भी नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में बताओ कि आपके फ्रेंड्स कितने हैं। खैर, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट्स सतोशी कानाजावा और नॉर्मन ली ने अपनी रिसर्च में पाया कि जिन लोगों का आईक्यू नॉर्मल या उससे कम था, वो लोग तब ज्यादा खुश थे जब वो बाकी लोगों और अपने फ्रेंड्स के साथ थे। वहीं इसका बिल्कुल ऑपोजिट, जो लोग ज्यादा स्मार्ट थे या जिनका हाई आईक्यू था, वो लोग तब ज्यादा खुश थे जब वो अकेले थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस हैं, और अगर ये रीजंस आपकी पर्सनालिटी से मैच करते हैं तो इसका मतलब आप भी एक स्मार्ट पर्सन हो। सो रीजन नंबर वन, यू आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स फेस इट, यही सच है कि मोस्ट जीनियसेस लोनर्स ही होते हैं, और कुछ ही लोग उन्हें समझ पाते हैं और एक्सेप्ट कर पाते हैं। कई बार एक इंटेलिजेंट पर्सन के लिए हार्ड हो जाता है ऐसी सोसाइटी और लोगों के बीच रहना जो उन्हें और उनकी बातों को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए आप अपनी ही एक छोटी सी दुनिया में जीना पसंद करते हो, जहां आपके पास इतने ड्रीम्स, विजन, आइडियाज और गोल्स हैं, जिसके सामने सोशल एक्टिविटीज और लोगों के साथ घूमना फिरना आपको एक डिस्ट्रैक्शन की तरह ही लगता है, बजाय लाइफ के एसेंस की तरह। इनफैक्ट, आप जितना ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उतना ही ज्यादा आप ड्रेन्ड और थका हुआ महसूस करते हैं, जैसे किसी ने आपसे आपकी एनर्जी छीन ली हो, क्योंकि आपको समझना हर किसी की बात नहीं। और जो कॉन्वर्सेशन के एंड में आपको लगे कि बात ठीक से कन्वे ही नहीं हुई, या सामने वाला पर्सन समझ ही नहीं पाया, उसके सर के ऊपर से ही निकल गई, ऐसे कॉन्वर्सेशन आपको एग्जॉस्टेड महसूस करवाते हैं, इसीलिए आप खुद तक रहना ज्यादा पसंद करते हो। यू कैन सी थ्रू पीपल, हाई इंटेलिजेंस होने की वजह से आप कुछ ही देर की मुलाकात में फेक पर्सनालिटी वाले और ऐसे लोगों को पहचान लेते हो जो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे होते हैं वो दिखाने की, जो वो असल में है ही नहीं। और आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाए रखना ही पसंद करते हो। आप ऐसे लोगों से इसलिए दूर रहना पसंद करते हो क्योंकि आपको रियल और ऑनेस्ट लोग पसंद है, ना कि सिर्फ अपनी फ्रेंड लिस्ट बढ़ाने के लिए किसी को भी अपना फ्रेंड बना लेना जो डीप कॉन्वर्सेशन की जगह शैलो कॉन्वर्सेशन करता हो और शो ऑफ करता हो। आपके मुताबिक ऐसे लोग सोशल क्लाइंबर्स होते हैं जो दोस्तों को एस सीढ़ियां समझते हैं और अपने बेनिफिट के लिए फ्रेंडशिप करते हैं, और ऐसे लोगों पे आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अदर्स फाइंड यू इंटिमिडेटिंग, आप अक्सर चीजों को खुद तक रखना पसंद करते हैं, लेकिन असल में आप एक फोर्स हो जिसको सुनना चाहिए। आप सच बोलने से कतराते नहीं हो, और इस बात को भी कन्फर्म करने से जब सामने वाला आउट ऑफ द लाइन जाके लाइन क्रॉस कर देता है। इसी ऑनेस्ट और फियरलेस बिहेवियर की वजह से कुछ लोग आपको एक थ्रेट की तरह देखते हैं और पसंद नहीं करते, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको समझते हैं, वो देख सकते हैं कि आप असल में कैसे पर्सन हो, और वो लोग आपकी इस क्वालिटी की रिस्पेक्ट भी करते हैं और पसंद भी, क्योंकि ये क्वालिटी आपको बाकियों से अलग बनाती है। जहाँ पूरी दुनिया बस लोगों को इम्प्रेस करना चाहती है फेक बनके, ताकि वो इस सोसाइटी और सोशल ग्रुप्स का पार्ट बने रह सकें बिना किसी की नजरों में बुरा बने और लोगों की हाँ में हाँ मिला के। वहीं जो लोग आपको असल में जानते और समझते हैं, वो आपकी इस क्वालिटी की इम्पोर्टेंस समझते हुए आपसे बातें डिस्कस करना या किसी चीज पे सजेशन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप जो सही होगा वही बोलोगे, ना कि वो जो वो सुनना चाहते हैं। यू डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन ड्रामा, जो फालतू का अननेसेसरी स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स ड्रामे के साथ क्रिएट होती हैं, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो आपको इरिटेट करता है, क्योंकि आपकी प्लेट में ऑलरेडी काफी सारी चीजें हैं जो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको चीजों या ड्रामे की जरूरत नहीं है। लोग क्या सोचते हैं आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको डेस्परेटली जरूरत महसूस नहीं होती कि लोग आपको एक्सेप्ट करें। इसीलिए आप फालतू के ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होते, और इसीलिए आपको ड्रामा या सीन क्रिएट करने वाले लोग नहीं बल्कि लाइट माइंडेड लोग पसंद है। लेकिन क्योंकि इस दुनिया में लाइट माइंडेड एंड विजनरी लोग बहुत ही कम है कम्पेयर टू ड्रामा करने वाले लोगों के, इसलिए आपके फ्रेंड्स भी कम है। तभी तो जहाँ बाकी के लोग कुछ मसालेदार और ड्रामा वाला कंटेंट देख रहे होंगे, वहीं आप ये वैल्यूएबल वीडियो देखने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। यू चूज न्यू फ्रेंड्स वाइजली,
हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है, और ये न्यूरॉन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिन लोगों के कॉन्टेक्ट में हम आते हैं उनके बिहेवियर्स को इम्प्रिंटिंग या कॉपी करने के लिए। और ये बात आप बखूबी जानते हो कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही हम बनते हैं, इसीलिए आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रहना पसंद नहीं करते जिनकी इंटेलिजेंस एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स आपसे कम हो। तभी आप अपने फ्रेंड्स सोच समझ के और वाइजली चूज करते हैं। और जिम रॉन का भी कहना है कि आप उन 5 लोगों के एवरेज हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। यू फोकस ऑन योर गोल्स। आप अपने ड्रीम्स और विजन को क्लोज माइंडेड और नैरो माइंडेड लोगों के साथ शेयर करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते। इवन आप ऑलमोस्ट हर किसी के साथ अपने गोल्स शेयर करना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि आपके विजन को हर कोई समझ नहीं सकता क्योंकि उनकी सोच ही लिमिटेड है। आप अपने गोल्स के लिए हार्ड वर्क करते हो और उन्हें अचीव भी, लेकिन आपके पास फेलियर्स और सेटबैक्स के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए आप लोगों को अपने गोल्स और विजन इजीली नहीं बताते क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये लोग मुझे सपोर्ट तो नहीं करेंगे लेकिन छोटे मोटे फेलियर या सेटबैक पे यही लोग सबसे पहले मजाक उड़ाएंगे या मुझे वो छोटा सा फेलियर भूलने नहीं देंगे, इसीलिए यू वर्क इन साइलेंस। मगर इस वजह से लोग समझते हैं कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन असल में आप तो बिजी हो अपने गोल्स के साथ और उनसे ज्यादा एक पर्पसफुल लाइफ जी रहे हो। यू डोंट फियर मिसिंग आउट। आप वक्त, टेक्नोलॉजी, लोगों और जमाने के साथ अपडेटेड होकर चलना तो पसंद करते हैं, लेकिन सेंसलेस कॉन्वर्सेशन और लेटेस्ट मीनिंगलेस ट्रेंड्स आपके लिए सिर्फ नॉनसेंस है और कुछ नहीं, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अपने थॉट्स और आइडियाज के बारे में सोचना ही पसंद है और आपको अपने साथ वक्त बिताना सबसे अच्छा लगता है, इसीलिए आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट का डर नहीं है। जहाँ लोग ट्राई करते रहते हैं कि उनसे कुछ छूटे ना, आप वहीं सिर्फ वो चीज करना और जानना पसंद करते हो जो मीनिंगफुल हो। You are cautious of others. आपको ऑलरेडी पता है कि आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन है, इसीलिए आपको और न्यू फ्रेंड्स बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप इजीली अपनी लाइफ में हर किसी को एंटर नहीं होने देते जब तक वो आपके बराबर कंपैटिबल ना हो। ये बोलने से हमारा मतलब है कि वो पर्सन आप ही की तरह सोचता हो, आइडियाज को सेम एक्सप्रेस करता हो और उसकी भी आप ही की तरह सेम वैल्यूज हो, लेकिन आप फिर भी लोगों को टेस्ट करते हो ये देखने के लिए कि एज अ पर्सन वो आपकी सच में केयर करते हैं या नहीं, या फिर इन सब के पीछे उनका कुछ और एजेंडा तो नहीं। यू आर एन ऑब्जर्वेंट। अधिकतर आप अपने आप को, चीजों को और सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हुए ही पाते हो, चाहे सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ। आप हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हो कि क्या हो रहा है एट द मोमेंट, लेकिन आप उसमें खुद एंटर करना पसंद नहीं करते। आपको लगता है कि लाइफ में और बहुत कुछ है जो इन सब चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट और पर्पसफुल है। आप अपनी लाइफ को सीरियसली लेते हो। आप ऐसे लोगों के साथ और एनवायरमेंट में रहना पसंद करते हो जो आपको इंस्पायर करे। आप हम्बल हो, लेकिन आप उन पे टाइम इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते जो डिजर्व नहीं करते। You are verbally liberated. आपका माइंड लिमिटेड नहीं है। आपके पास हमेशा कुछ कहने के लिए होता है और आप बिना परवाह करे अपने थॉट्स और आइडियाज को अपने फ्रेंड्स के सामने रखने से बिल्कुल झिझकते नहीं हो, चाहे फिर वो आपके साथ अग्री करें या ना करें। लेकिन आपको जो सही और सच लगता है आप ब्रूटली ऑनेस्ट होकर अपने थॉट्स उनके सामने रखते हो। आप लोगों से अलग सोचते हो, लेकिन आप दूसरों के ओपिनियन से ऑफेंड नहीं होते, बल्कि दोनों पर्सपेक्टिव से चीजों को देख के ही अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।